हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 नवरात्रि, माँ दुर्गा को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें। कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो चुकी है। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार लोग पूरे 9 दिन तो वहीं कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दौरान के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही माँ की आराधना करना शुभ होता है। नवरात्रि के ये दिन बेहद ही पावन माने जाते हैं, ऐसे में इस दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में देवी माँ की पूजा में कौन सी चीजें उन्हें चढ़ाना वर्जित होता है। माँ की पूजा में वर्जित हैं ये फूल। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के और पीले रंग के पुष्पों का उपयोग करना बहुत ही शुभ होता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है। लेकिन वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दौरान कनेर, धतूरा, मदार के पुष्प माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे हुए अक्षत। हिंदू धर्म में अक्षत को विशेष स्थान प्राप्त है। कोई भी पूजा अनुष्ठान अक्षत के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसे में माँ दुर्गा को अक्षत अर्पित करते समय टूटे हुए अक्षत या चावल ना चढ़ाएं। अक्षत सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। ऐसी मान्यता है कि हमेशा पूजा में साबुत अक्षत या चावल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णता के प्रतीक होते हैं और जीवन में शुभता लाते हैं। माँ को दूर्वा अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कभी भी देवी माँ की पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए नवरात्रों में इस बात का भी ध्यान रखें कि माँ को उनकी पूजा के समय दूर्वा घास अर्पित ना करें। दुर्गा माँ की उपासना में दूर्वा वर्जित होता है। टूटा हुआ नारियल। शास्त्रों में कलश स्थापना का बेहद खास महत्व होता है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए जो नारियल इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना चाहिए कि वो टूटा हुआ ना हो और साथ ही हमेशा पूजा के लिए जटा वाले नारियल का ही इस्तेमाल करना शुभ होता है। लहसुन प्याज से बना भोग। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा को भोग लगाते समय हमेशा सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माँ के लिए बनाए जाने वाले भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोज्य पदार्थ माना गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।